आज की हमारी कहानी शुरू होती है एक कूल सीनियर्स इंटेलिजेंट प्ले बॉय और बिलियनर सुपर हीरो यानी कि टोनी स्टार्क के घर से। दुनिया को एक और बार बचा के टोनी स्टार्क अपने घर में आया ही था, लेकिन उसे कहां पता था कि उसके साथ घटने वाली थी अनहोनी। सर्विस, आज मैं बहुत ही थक गया हूँ, जल्दी से अपडेट सुनाओ और फिर टीवी शुरू करो। सर, थोड़ी देर पहले हमारे घर में एक घुसपैठिया घुसा था, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि वो चला गया है। ओके, उसको हम बाद में देख लेंगे, लेकिन अब जल्दी से टीवी शुरू करो क्योंकि बकेटहेड का नया वीडियो आने वाला है। आज तो मजा आ जाएगा। क्या बत्ती गुल हो गई? अरे यार, मैं तो किडनैप हो गया। तो टोनी स्टार्क को किडनैप करके उसे एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन के अंदर रखा गया, लेकिन अपने इंटेलिजेंट दिमाग की वजह से वो इस प्रिजन में से भागने में कामयाब रहा। तो फाइनली मैं प्रिजन से फरार होके आ गया हूँ, लेकिन यू को तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी और ऐसा क्यों है इसके मेरे पास बहुत सारे रीजन है। तो गाइस, प्रिजन के अंदर मुझे मिलता था फ्री का खाना, फ्री की इलेक्ट्रिसिटी, फ्री का बेड और कभी कभार फ्री की मसाज। लेकिन यहाँ पर सब कुछ मुझे अपने आप करना पड़ता है। यहाँ तक खाने को पकड़ना पड़ता है, उसको पकड़ के पकाना पड़ता है और फिर खाना पड़ता है। लिटरली इतना स्ट्रगल तो अनन्या पांडे भी नहीं करती। एनीवे गाइस, तो प्रिजन से बाहर निकलने के बाद मुझे घर वापस जाना है और उसके लिए मुझे चाहिए होगा अपना सूट। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, मेरे सारे सूट और सर्विस के साथ का कॉन्टेक्ट मेरे मिलियन डॉलर के बंगले पे सूट और टूट गया है। यानी कि लोहा मैन बनने के लिए मुझे शुरू से शुरू करना पड़ेगा और इसके लिए मुझे बहुत सारे रिसोर्सेस चाहिए होंगे। तो ये वो प्रिजन जहाँ पर मैं कैद था, लेकिन अब वक्त आ गया है इन सारी बातों को भुला के हमारे काम यानी कि लोहा मैन बनने पे ध्यान देने का, और इसकी मैं शुरुआत करूंगा धमाकेदार संप के साथ। अरे वाह, मजा आ गया, ठंडी का यही तो मजा है। ठंडे ठंडे पानी में नहाओ, खाना खाओ और फिर सो जाओ। ओके, तो जैसा कि मैंने कहा, लोहा मैन बनने के लिए हमें बहुत सारे रिसोर्सेस चाहिए होंगे और उनको इकट्ठा करने में कई दिन भी लग जाएंगे। इसलिए सबसे पहले मैं अपने सर के ऊपर छत बनाऊंगा और उसके बाद ही हमारे सूट के ऊपर काम शुरू करूंगा। बट उससे भी पहले मैं अपने बेसिक टूल्स और बेसिक आर्मर के ऊपर ध्यान दूंगा जो कि मुझे रात होने से पहले बनाने हैं, क्योंकि रात होने पर ऐसे ऐसे मॉब्स और ऐसे ऐसे जानवर घूमने लगेंगे जो कि मुझे एक ही बार में मार सकते हैं। और हाँ, मुझे भूख भी लगने लगी है, तो मुझे इसका भी कोई ना कोई इंतजाम करना पड़ेगा। वाओ, शिकार का नाम लिया और शिकार हाजिर। तो मुर्गियां दिखती मेरे दिमाग में घूमने लगा चिकन लेग पीस, और इसीलिए मैंने जल्दी से पेड़ काटा, उसके प्लैंक्स बनाए और उसकी मदद से बनाया एक मल्टीटास्किंग वेपन यानी कि वुडन एक्स। एनीवे, वो मुर्गी भाग क्यों रही है? कहां भागेगी तू? हाँ, कानून के हाथ लंबे है लेकिन मेरे हाथ उससे भी लंबे है। ठीक है, तो गेम बजाना पड़ेगा। तो मुर्गिया को मार के मुझे केव के अंदर कॉल दिखते हैं, तो मैं कॉल को माइंड करने के लिए चला जाता हूँ। और इस वक्त मुझे बहुत ही जोरों की भूख लगी हुई थी, इसलिए मैं भागने की हालत में बिल्कुल ही नहीं था। बट तभी मेरे कानों को सुनाई देती है एक मधुरी मीठी आवाज, वो भी माइनक्राफ्ट की डायन यानी की विच की। मैं उल्टा मुंह करके ऐसे भागा कि मैंने पीछे की ओर नहीं देखा, लेकिन भूख की वजह से मैं भाग नहीं पाया और मेरे ऊपर होता है जहरीले मेंढक का अटैक। मेरे ऊपर जिस पोशन का यूज हुआ था वो था मेंढक के सुसु वाला पोशन। तो उन गतिड़ी डायंस के अटैक के बाद मेरी हेल्थ इतनी कम हो गई कि कोई मुझे एक भी मुक्का मारता तो मैं डायर की स्वर्ग लोक पहुंच जाता। एनीवे, तो उन विच से बचने के चक्कर में रात हो गई और इसी के साथ खतरनाक मॉब स्पॉन होना भी शुरू हो गए। मैं एक ऐसी परिस्थिति में फंस गया जिसमें ना तो मैं इन मॉब के साथ लड़ सकता था और ना ही इनसे भाग सकता था। जैसे तैसे करके मैंने इन मॉब्स के साथ की फाइट को इग्नोर किया और तभी मैं सा पहुंचता हूँ एक टूटे हुए घर के पास। ये घर मेरे लिए फरिश्ता साबित हुआ क्योंकि इसी की वजह से मैं अपनी पहली रात सर्वाइव कर पाया। लकीली यहाँ पर कोई भी नहीं था और ऊपर से यहाँ पर एक चेस्ट थी जिसके अंदर कोई खास चीज नहीं थी, पर फिर भी मेरी जान बच गई, यही मेरे लिए सबसे खास चीज है। तो फिलहाल मेरे पास कोई भी काम नहीं था और मैं बाहर भी नहीं जा सकता था, इसलिए घर के अंदर रहकर मैंने अपने टूल्स को स्टोन के टूल्स के अंदर अपडेट किया। तो गाइस, मेरे पास स्टोन के वेपन तो हो गए है, अब मुझे इन दोनों वुडन के वेपन्स को कोई बढ़िया जगह ढूंढ के पानी के अंदर अर्पण कर देना है ताकि इन दोनों की आत्मा को शांति मिल जाए। अगला दिन होते ही मैंने खाना ढूंढना शुरू किया और उसी वक्त मैंने अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने देखा। भूखे मारे मेरी हेल्थ कम होना शुरू हो गई थी और जब तक मैंने खाना इकट्ठा किया उसे खाया तब तक मैं मेरे पास आधा हार्ट बचा था। यानी कि एक भी सेकंड इधर उधर हो जाती तो फिर मेरा वक्त बदल जाता, जज्बात बदल जाते और फिर मैं आपको कहता, ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। तो खाना खा के जैसे मैं आगे बढ़ा वैसे मुझे दिखते हैं अलग अलग मॉब्स जिसको मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। लेकिन मुझे भी कहां पता था कि ये तो बस टीजर था, पूरी सीरीज तो अभी बाकी है। इस मकड़ी को मैं क्या बुलाऊं? मकड़ी, डबल मकड़ी, मकड़ी मकड़ी की कैप के साथ, या फिर मकड़ी अलग नशे वाली?
बट इसकी स्पीड बहुत है, मैं भाग रहा हूँ यहाँ से। क्या सोच रही हो मुर्गी बहन, ये दुनिया बड़ी जालिम है। सही कहा भाई, ये दुनिया बड़ी जालिम है, अपने अपने फायदे के लिए लोगों को मार देती है भाई, बहुत जालिम है, बहुत जालिम है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस दुनिया से आप निकल जाओ मुर्गी बहन। एनीवे गाइस, तो जब तक खाना पक रहा है तब तक मैं अपने बेड का इंतजाम कर देता हूँ, क्या बोलती हो भेड़ बहन? हाँ, मैं तुम्हें ही मारूंगा मैं सबसे पहले। तो खाना और वूल को इकट्ठा करने में रात हो गई, और माइनक्राफ्ट के अंदर रात का मतलब है मॉब्स का पार्टी टाइम। जल्दी से खाना लेकर अंडर कवर होते, वही अंडर कवर होने का वक्त आ गया है। ओके गाइस, तो अगला दिन हो गया है और अब वक्त आ गया है हमारे थोड़ी प्रोग्रेस करने का। सो लेट्स सी बाहर क्या क्या चल रहा है। ध्यान रखना पड़ेगा कोई आकर धप्पा ना कर जाए भाई। तो मेरा पहला गोल रहेगा कोल को इकट्ठा करना, फिर गोल रहेगा रिसोर्सेस इकट्ठा करना जिससे मैं अपने घर को बना सकूं, और उसके बाद मैं उन रिसोर्सेस को इकट्ठा करूंगा जो कि हमारे सूट बनाने में काम आएंगे। ओके, तो गाइस मैं आ गया हूँ फ्लावर बायोम के अंदर, और आप इसे देखो यार क्या मस्त लग रहा है। मैं यहाँ पर अपना घर बना सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास कोई रिसोर्सेस नहीं है और ना ही खाना है। वेट, मैं यहाँ पर सही में घर बना सकता हूँ यार, ये जगह मस्त है। तो घर बनाने की जगह डिसाइड होने के बाद मैंने आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करना शुरू किया। जहाँ पे एक्सप्लोर करते करते मैं जहाँ पहुँचता हूँ एक बंद पड़ी हुई पुरानी माइन के अंदर। तो ये माइन मेरे बहुत ही काम में आई, और ऐसा क्यों है इसका रीजन आपको पता चल जाएगा। अरे वाह, सामने तो दो चेस्ट है और यहाँ पर आयरन भी है। ओके गाइस, तो मैंने आसपास के सारे आयरन और कोल को माइन कर लिया है, अब बारी है यहाँ की चेस्ट को खोलने की। तो देखते है भाई इसमें, Oh my God, Toru love, इसके अंदर डायमंड है। अब देखते हैं इस लूट को, इसके अंदर भी एक दो डायमंड्स मिल जाए तो मेरी पिकेक्स का बंदोबस्त हो जाएगा। Oh my God, 4 डायमंड्स, यानी कि मेरे पास हो गए टोटल 5 डायमंड। इसका मतलब मैं एक पिकेक्स और एक स्वॉर्ड दोनों ही बना सकता हूँ। आगे घर के ऊपर काम शुरू करने से पहले मैंने एक और काम किया जो की था खेती बाड़ी, क्योंकि मैं खाने का एक ऐसा सोर्स आता था जिससे मुझे खाना मिलता रहे। ओके, तो मैंने इतना खाना लगा दिया है और अब ये जल्दी से उग जाएगा और मैं फाइनली हमारे घर का खाना खा सकता हूँ। तो खाने को अपनी हालत पे छोड़कर मैंने फाइनली घर को बिल्ड करना शुरू किया। कई सारी मेहनत के बाद हमारा घर तैयार हो चुका है, और अब बारी है हमारे घर का टूर अप करने की। अबे एक कौन सा ज़ॉम्बी है, ठीक है कोई ना, हम इसको बाद में देखेंगे। एनीवे गाइस, तो ये है हमारी बालकनी एरिया जहाँ पर हम ऐसे वैसे घूम सकते हैं और टाइम पास कर सकते हैं। फिर आता है हमारा बेडरूम, यहाँ पर हमें डबल बेड देखने को मिलेंगे। पता नहीं इसका क्या काम है, लेकिन फिर भी मैंने डबल बेड लगा दिए, और बेडरूम के अंदर ही मैंने कई सारी चेस्ट भी लगाई है इनकेस मेरे पास बहुत सारा पैसा, बहुत सारे डायमंड और बहुत सारी चीजें हो जाए तो मैं इनको यहाँ पर रख सकता हूँ। ओके, तो अब मैं आपको लेके जाऊंगा ग्राउंड फ्लोर पे, जिसको वर्किंग फ्लोर भी कह सकते हो, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत सारी फर्नेस और क्राफ्टिंग टेबल है, और ऊपर से मैंने यहाँ पर एक एरिया भी बनाया है जिसका नाम मैंने दिया है वर्क प्लेस। तो इस वर्क प्लेस पे मैं करूंगा हमारे सूट के ऊपर काम, यानी कि इन फ्यूचर सारे सूट इसी जगह पर बनेंगे और मैं यहाँ पर ही सारा काम करूंगा। सो यही था हमारा घर, और आपको ये घर कैसा लगा उसके बारे में आप कॉमेंट के अंदर 1 से लेकर 10 तक की रेटिंग दे सकते हो। ओके गाइस, तो बड़े दिनों बाद मैं आराम की नींद सोने जा रहा हूँ, लेकिन इसी के साथ कल होगा एक बड़ा ही बिजी दिन, क्योंकि मुझे अपने सूट के ऊपर काम करना है और इसके लिए मुझे चाहिए होंगे बहुत सारे रिसोर्सेज। तो सुबह होते ही मैं अपने काम पे लग गया, और आज के इस दिन में मेरा मेजर गोल था माइनिंग करना। इस बार की माइन में मैंने टोटल 4 ओर के ऊपर फोकस किया जो कि थे आयरन, गोल्ड, रेडस्टोन और टाइटेनियम। तो मैंने एक प्रॉपर माइन बनाई और माइनिंग करना शुरू किया, एंड माइनिंग की शुरुआत करते ही मुझे मिल गया हमारा पहला ओर जो कि था ब्लैक आयरन। और ऐसे ही मैंने दूसरे कई सारे नए ओर्स को माइन किया जिसमें शामिल था कॉपर, मैग्नेसाइट, रेड आयरन,
पैलेडियम वगैरह वगैरह। माइन से वापस आते ही मैंने जरूरत के ओर को स्मेंटिंग पे लगाया और फिर हमारे पहले आयरन मैन सूट के ऊपर के काम को शुरू किया। तो बेसिकली सबसे पहले मुझे बनानी पड़ी एक वर्क बेंच और इसे बनाने के लिए मुझे बनाने पड़े बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टार्क टेक। आगे मैंने इन सारी टेक्नोलॉजी को कॉम्बाइन करके फाइनली वर्क बेंच बना ली। तो ये वर्क बेंच हमें बताएगी कि कौन सा सूट कैसे बनेगा और उस सूट के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज हमें चाहिए होंगे। तो मेरा पहला सूट होने वाला था मार्क जीरो यानी कि स्टार्क अंडर आर्मर और मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। लेकिन जब मैं अपने सूट के ऊपर काम कर रहा था तभी मेरे घर के पास में होती है ज़ॉम्बी की बरसात जिसे कहा जाता है ज़ॉम्बी होर्ड। इतना ही नहीं बल्कि घर के ठीक साइड पे एक मीटियोर गिरा था जिसने घर के कई सारे शीशे तोड़ दिए। ठीक है गाइस, तो मार्क जीरो को बिल्ड करने के लिए हमें दो रिपल्सर चाहिए हो गए और उन दोनों को बनाने के रिसोर्सेज हमारे पास फाइनली इकट्ठा हो गए है। एंड एक और बात गाइस, सारे सूट को बिल्ड करने के लिए हमें अलग अलग पॉइंट्स देने पड़ेंगे। तो अभी हमारे पास है 354 बैलेंस और इस सूट को बनाने के लिए यानी कि मार्क जीरो को बिल्ड करने के लिए हमें देने पड़ेंगे 100 पॉइंट्स। तो अभी के लिए तो मैं हमारे पहले सूट को बना सकता हूँ, लेकिन आगे जाके अगर हमें बड़े बड़े सूट बनाने हैं तो हमें देनी पड़ेगी बड़ी बड़ी रकम। बट डोंट वरी, क्योंकि इन पॉइंट्स को हम माइनिंग करके और अलग अलग मॉब्स को मार के इकट्ठा कर सकते हैं जो कि सूट बनने के बाद बड़ा आसान होगा। तो फाइनली कई सारी मेहनत के बाद मैंने अपना पहला सूट यानी कि स्टार्क अंडर आर्मर बना ही लिया और इसको बनाने के साथ ही मेरे लुक्स और पावर दोनों ही बढ़ गए। तो इस आर्मर को पहन के मैं उड़ सकता था जो कि एकदम लल्लम टॉप है। इसी बात पे मैंने अपनी बिना क्रिएटिविटी की उड़ान का मजा लिया। आगे मैं इस सूट की नई एबिलिटीज को ट्राई कर ही रहा था तभी एक और बार ज़ॉम्बी होर्ड स्टार्ट हो गया और इसी ज़ॉम्बी होर्ड के दौरान मुझे दो बातें जानने को मिली जिसमें से एक बढ़िया और एक बुरी थी। तो बात करें बढ़िया बात की तो जब तक मेरा सूट पूरी तरह से टूट नहीं जाता तब तक मेरी 1% भी हेल्थ नहीं जाएगी और बुरी बात यह है कि मेरा सूट इतना लो लेवल का है कि इसकी बैटरी 1 मिनट में उतर जाती है। यानी कि जब तक मेरा सूट वापस से चार्ज नहीं होता तब तक मैं अपने सूट की एक भी एबिलिटी को यूज नहीं कर सकता। तो एक अनएक्सपेक्टेड फाइट के बाद हमारा सूट बहुत ही टूट गया है लेकिन ये अपने आप रिपेयर हो जाएगा। बट इसको रिपेयर होने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये जब तक रिपेयर होता है तब तक मैं एक नए सूट के ऊपर काम शुरू कर दूं। तो अब हम काम करने वाले हैं हमारे नए सूट यानी कि मार्क 01 पे। तो मार्क 01 के ऊपर काम करने से पहले मैंने अपने घर को रिपेयर करने का डिसाइड किया और इसको रिपेयर करते करते शाम हो गई। ओके, तो कई घंटों तक काम करने के बाद हमारा घर वापस से हो गया है टकाटक। आगे रात होने पर मैंने अपनी शक्तियों का वापस से इस्तेमाल करने का डिसाइड किया और इस काम के अंदर मेरा पहला शिकार था हड्डी मकड़ी। मैंने मकड़ी के ऊपर रिपल्सर बीम और रिपल्सर ब्लास्ट का यूज किया जिसमें मकड़ी को ठीक ठाक डैमेज पड़ी। बट तभी सूट की बैटरी खत्म हो गई और मुझे उसके साथ हाथों से लड़ना पड़ा। अबे रुक जा यार, मुझे पास में तो आने ले, 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 मेरे को मारेगा। तो इस मार्क जीरो सूट के साथ मैं आम ज़ॉम्बीज और आम मकड़ियों को तो मार सकता हूँ लेकिन इस मॉडिफाइड ज़ॉम्बीज और मॉडिफाइड मकड़ियों को इससे मारना नामुमकिन है। तो बहुत सारी मार खाने के बाद मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि मैं अपने अगले सूट के ऊपर काम शुरू करूंगा। एनीवे तो मैं वापस घर आ गया हूँ क्योंकि अब मुझे ये देखना है कि मार्क 1 को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। ओ भाई, बहुत ज्यादा चाहिए। तो मार्क 1 को बनाने की सारी आइटम देखकर मेरा दिमाग घूम गया और फिर मैंने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया। ओके, तो डिसाइड हो गया पहले मैं बनाऊंगा मार्क 1, फिर मैं जाऊंगा डायरेक्ट मार्क 3 पे। मार्क 2 को हम स्किप करेंगे क्योंकि मार्क 2 और मार्क 1 दोनों ही सेम है, इन दोनों की शक्तियां भी सेम है तो इसको बनाना क्या ही काम का, इसलिए मैं डायरेक्ट बनाऊंगा मार्क 3। तो मार्क 1 को बनाने के लिए हमें चाहिए थे TNT और उसको लाने के लिए मैं चला गया डिजर्ट टेम्पल को ढूंढने के लिए। बाय द वे, डिजर्ट टेम्पल से पहले मुझे एक शिप दिख गया कि ऑब्वियसली पायरेट का लग रहा था इसलिए मैंने इसको लूटने का डिसाइड किया। तो मैंने यहाँ के गुंडों को धोया नहीं बल्कि पानी में फेंक फेंक के धोया और कुछ गुंडे तो अपने आप ही पानी में कूद गए। एनीवे, तो आगे शिप को लूटने के लिए मैं उसके अंदर गया तो यहाँ पर था फुल सेटअप ऑफ एंसेंटमेंट यानी कि एंसेंटिंग का बंदोबस्त हो गया है, अब मैं सिर्फ एक्सपी का बंदोबस्त करना है। बाय द वे गाइस, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट के अंदर अपने फेवरेट मार्वल कैरेक्टर का नाम लिखना मत भूलना। तो बेसिकली डिजर्ट के अंदर मुझे डिजर्ट टेम्पल तो नहीं मिला लेकिन उसके जैसे दिखने वाला एक बिल्ड जरूर मिला जिसके चारों तरफ TNTs थे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से TNTs लिए और उसके बाद मैंने यहाँ की लूट को देखा तो मेरी आंखें सौंधी
दिया गई क्योंकि इसके अंदर थे 11 डायमंड और एक अल्ट्रा पावरफुल सोर्ड। तो घर आते ही मैंने वापस से काम शुरू किया और मैंने बनाई पिस्टन, आयरन प्लेट, रॉकेट और कई सारी और चीजें। 5 दिन के लगातार काम के बाद मैंने फाइनली बना लिया Mark 1 एंड इसे बनाने के लिए मुझे कई सारे मॉब्स को मारना पड़ा ताकि मैं पॉइंट को इकट्ठा कर सकूं। पर कोई ना, क्योंकि अंत भला तो सब भला और आपके सामने पेश है Mark 1। बिना किसी वेट के हम इसकी पावर को ट्राई करेंगे क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा। तो हमारे पहले मुंह का नाम है फ्लेम थ्रोवर और इससे अबे यार घर जल गया। मित्रों रुकावट के लिए खेद है, बकेटेड घर को बुझा के तुरंत ही वापस आएंगे, तब तक कृपया शांति बनाए रखे। डोंट वरी गाइस, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, थैंकफुली हमारा घर पूरा जला नहीं। एनीवे Mark 1 दिखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है और अब बारी है इसकी असली टेस्टिंग की। तो बेसिकली अभी मैं फ्लेम थ्रोवर और ड्यूअल फ्लेम थ्रोवर दो ही मूव यूज कर सकता हूँ क्योंकि बाकी के मूव को यूज करने के लिए हमें उसे अनलॉक करना पड़ेगा और उसके लिए हमें चाहिए होगा मॉड्यूलर डिवाइस। बट मैं अपने सारे पॉइंट्स को Mark 3 के ऊपर यूज करना चाहता हूँ, इसीलिए सब मैं Mark 3 बनाऊंगा तभी मैं मॉड्यूलर डिवाइस भी बनाऊंगा। गाइस मेरे पास एक बहुत ही बुरी खबर है, रिसेंटली मेरे ऊपर एक अटैक हुआ जिसमें मुझे बहुत ही बुरी तरह से धोया गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, इसी बहाने मुझे Mark 3 को बनाने का मौका मिल गया। सबसे पहले तो मैंने मॉड्यूलर डिवाइस बनाया जिसके लिए मुझे कलर फिल्टर बनाना पड़ा। आगे मैंने Mark 3 के रिसोर्सेज को देखा और उसके ऊपर काम करना शुरू किया। मैंने बनाया गोल्ड टाइटेनियम एलॉय, आर्क रिएक्टर और इसी के साथ मैंने बनाई इतनी सारी चीजें। ऑलराइट, तो ये Mark 3 और इसे पहनने के बाद फाइनली मुझे आयरन मैन वाली फीलिंग आ रही है। तो इस सूट को Mark 1 से बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव किया गया है, वो भी सारी चीजों में। ओके, तो अब मैं इसके वेपन की टेस्टिंग करता हूँ। ओवरऑल पूरा सूट बहुत ही ऑसम है और अब वक्त आ गया है हमारे घर यानी कि स्टार्क मेंशन को वापस लेने का। तो फाइनली कई दिनों बाद मैं पहुंच गया हूँ हमारे मेंशन पे और यहाँ पर अभी तो मुझे कोई गड़बड़ नहीं लग रही। तो मेन गेट से मैं नहीं जा पाया, इसलिए मैंने पीछे का रास्ता यूज किया, लेकिन वो भी बंद था। बट डोंट वरी, क्योंकि मेरे पास है मोटा दिमाग, मैंने अपने मोटे दिमाग का यूज किया और दरवाजा तोड़ दिया। एक हीरो की तरह एंट्री मारते हुए मैं अंदर घुसा, लेकिन यहाँ पर भी कोई नहीं था। थक हार के मैं मेंशन के लिविंग रूम में गया तो वहाँ पर मुझे दिखी डायन, आई मीन हमारी विलन टोनी स्टार्क। अभी भी तुम जिंदा हो, बाय द वे कैसा लगा एक स्मार्ट, कूल, इंटेलिजेंट, जीनियस, ब्रिलियंट बिलियनर प्लेबॉय को किडनैप होकर? मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता, लेकिन थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। और जहाँ तक बात है किडनैप की, तो ये मेरे लिए किडनैपिंग कम और एक सबक ज्यादा था। जान के अच्छा लगा कि तुम अभी भी वही बेवकूफ हो जो कि अपने ईगो में खोया रहता है। रुको रुको दीदी रुको, मैं आपके इंट्रो में इंटरप्ट करना नहीं चाहता, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो जल्दी से खत्म करते हैं। बोलो बोलो, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कोई ना कहाँ मरना पसंद करोगे, घर के अंदर या बाहर? दीदी बाहर लड़ते हैं, अभी अभी रेनोवेट कराया है, खर्चा बढ़ जाएगा। तो लंबी डायलॉग बाजी और शब्दों के कुरुक्षेत्र के बाद फाइनली वक्त आ गया है असली कुरुक्षेत्र के अंदर जाने का।
डायन सच में एक डायन है और ए इतनी शक्तिशाली है कि मैं इसके पास में जाकर उड़ नहीं सकता। मेरा सूट भी टूट गया है यानी कि सारी डैमेज अब मुझे डायरेक्टली ही पड़ेगी, इसलिए अगर मैं इसके पास गया तो मैं पक्का मरूंगा। लेकिन मैं उसके पास नहीं गया तो वो मेरे पास आ गए और गलती से मैं उसके सामने गिर पड़ा। लकीली मैंने अल्ट्रा पावरफुल सोर्ड का यूज किया और फाइनली डायन को मार दिया। ये बहुत ही बड़ा क्लोज कॉल था, अगर एक भी गलती होती तो मैं मारा जाता। तो फाइनली वक्त आ गया है हमारी इस बड़ी सी जिद को सेलिब्रेट करने का। लेकिन आपको तो पता ही है कि हर एंडिंग गुड एंडिंग नहीं होती। उसी तरह टोनी स्टार्क के सामने आया कहानी का असली विलन। अरे नहीं, अब ए कौन है? दिखने में तो ए अच्छा इंसान इंसान ही नहीं बल्कि एक दानव लग रहा है। मुझे इसको मारना पड़ेगा, लेकिन मेरा एक भी वार इसको लग नहीं रहा। आई थिंक मुझे इसके और करीब जाना पड़ेगा। नहीं, ए भी काम नहीं कर रहा, मुझे इसके और करीब जाना पड़ेगा। रुको, मेरा सूट इतना गर्म क्यों हो रहा है? नहीं मैं तो मारा गया था। और ये कौन है? थोर।